उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में कोरोना मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। पिछले कई दिनों से बाहर रह रहे प्रवासी मजदूर जहां अब गृह जनपद वापस आ रहे हैं, वहीं कोरोना वायरस से जनपद में दो मौतों के बाद अब तक कोरोना पॉजिटिव की संख्या 14 हो गई है, जिसके चलते मंडला आयुक्त अनिल कुमार आगरा ने जनपद मैनपुरी का दौरा किया, वहीं जिले के आला अधिकारियों के साथ समीक्षा की। बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देशित किया गया। बैठक के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि जनपद में मोहल्ला समिति व ग्राम समिति का गठन किया जाए, जिनके द्वारा आने वाले प्रत्येक श्रमिक व्यक्ति पर नजर रखी जाएगी, साथ ही उनसे बात की जाएगी और उन्हें एक रजिस्टर में उनके नाम अंकित किए जाएंगे। ऐसे लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग व्यवस्था भी की जाएगी। मैनपुरी से संवाददाता गौरव पांडे की रिपोर्ट। वहाँ पे एक थर्मल स्कैनर की व्यवस्था कर दे और रजिस्टर बनाए जिसमें जो भी अंदर आ रहा है या बाहर जा रहा है उसकी एंट्री प्रॉपरली हो जाए। विशेष रूप से हम लोगों ने कहा है कि जो हमारी ग्राम निगरानी समिति मोहल्ला निगरानी समिति है, क्योंकि अब काफ़ी बड़ी संख्या में श्रमिक भाई बाहर से आए हैं, तो उनको होम क्वारंटाइन प्रॉपरली है या नहीं है, कोई उनमें सिम्टम है या नहीं है, उस पर विशेष नज़र रखी जाए ताकि अगर कोई होता है तो उस पर तुरंत उनको ट्रीटमेंट मिल जाए। दूसरा जो हमारे L1 एडिशनल है उनको 250 तक मैनपुरी को करना है, तो वो उन्होंने तैयारी कर ली है, तो उसको क्रियान्वित करने के लिए भी कहा गया। कई सारे स्थानीय निवासियों की बात करें तो अब तक लगभग सब ठीक रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना प्रवासी मजदूर बाहर से आ रहे हैं वो गाँव में हैं और गाँव में तरीके की कोरोना पॉजिटिव बढ़ोतरी है। वही मैंने कहा, इसीलिए मैंने शुरुआत में मैंने ये कही बात, तो हमने ये कहा है कि जो हमारे ग्राम निगरानी समितियां हैं और मोहल्ला निगरानी समिति है वो और एक्टिव हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसका एक इंचार्ज बन जाए, जो CMO साहब के यहाँ जो लिस्ट है और जो DPRO के यहाँ से जो लिस्ट आती है वो कंपाइल हो जाए, और जो हमारी निगरानी समितियों से ही ना पूछा जाए, बल्कि कुछ श्रमिक भाइयों से ही पूछा जाए कि वो बाकी होम क्वारंटाइन है या नहीं है। स्थानीय स्तर पर BDO स्तर पर रोज शाम को लोग बैठें, जैसे मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज और CGPO भी हो, AGO पंचायत हो, रिव्यू करें और हर दिन कम से कम 2 या 3 गांव में वीडियो जाकर खुद चेक करें कि हमारे जो श्रमिक भाई आ रहे हैं उनको साथ उनको जो होम क्वारंटाइन रहना है वो है नहीं है, उनको सिम्टम तो नहीं आए हैं, उनके साथ उनकी मेडिकल टीम भी जाएगी, तो उसका एक अच्छा अलग प्रभाव खा सकते हैं। अभी हम जाएंगे जो यहाँ पे कंटेनमेंट जोन बना उसको देखेंगे। तो सर जनता के लिए क्या कहेंगे सर कोरोना को बचाने के लिए? मैं सभी लोगों से यही कहना चाहूँगा, अनुरोध करना चाहूँगा कि देखिए इस बीमारी का सबसे अच्छी बात यह है कि हम इसका बचाव कर सकते हैं अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म को हम लोग फॉलो करें, शारीरिक दूरी को हम लोग फॉलो करें, लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, तो हम बहुत जल्दी इससे पार पाएंगे। ये मेरा विश्वास है कि मैनपुरी के हमारे जो नागरिक है वो पिछले 2 महीने से लगभग इसका पूरा अनुसरण कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.